हेलो फ्रेंड्स, आज आप धोरण 11 एनी अंदर नव एक चैप्टर शुरू करवा जई रहा छे, जेनु टाइटल छे चैप्टर नंबर 4 समतल मागति। मित्रों, गयु चैप्टर जे हतु एनु टाइटल हतु सुरेख पथ पर गति। कोई पदार्थ सुरेख पथ उपर ज्यारे गति करतो होय, सीधा रस्ता उपर गति करतो होय, तो एना विशे आपणे केटली भौतिक राशियो व्याख्यायित करी शकीए। हवे आ चैप्टर में ज्यारे कोई पदार्थ कोई समतल में गति करतो होय तो केटली राशिओ आपणे व्याख्यायित करी शकीए। समझी लो, मान लो कि एक सीधो रस्तो छे, आ सीधा रस्ता उपर कोई पदार्थ गति करी रह्यो छे, तो तमने तरत खबर पड़ी जशे कि ए पदार्थ सुरेख रस्ता उपर गति करे छे। पण मानी लो कि आ वाय अक्ष छे अने आ एक्स अक्ष छे। कोई पदार्थ वाय अक्ष अने एक्स अक्ष थी बनतो जे भाग के जेना आपणे समतल कहीए छीए, ए समतल में गति करतो होय तो ए पदार्थनी गति केवी रीते व्याख्यायित करवी ए आपणे आ चेप्टरनी अंदर भणीशुं। जेम कि अत्यार सुधी आपणे एवुं भणी गेला छीए कि धारो कि कोई पदार्थ सुरेख मार्ग उपर गति करतो होय, क्या तो धन एक्स अक्ष तरफनी दिशामां, क्या तो ऋण एक्स अक्ष तरफनी दिशामां गति करतो होय, तो आवो पदार्थ एक पारिमाणिक गति करे छे एम कहेवाय। पण धारो कि कोई पदार्थ आपणे आ लई लईए वाय अक्ष, कोई पदार्थ आ लई लईए एक्स अक्ष, अने कोई पदार्थ एक्स अने वाय थी बनता समतल में कोई जगह गति करतो होय तो आवी गति ने एनी द्विपारिमाणिक गति कहेवाय। हजी आ चेप्टर में त्रिपारिमाणिक गति पण आवशे, एटले एक्स वाय ने झेड अक्ष आवी रीते एक्स वाय ने झेड अक्ष थी बनतो जे भाग होय एना वच्चेना भाग में पण कोई जगह कोई कण गति करतो होय ए पण आवशे। हवे आपणे केवी रीते आना एक पारिमाणिक अने द्विपारिमाणिक कहीए, तो मानी लो कि कोई पदार्थ फक्त एक्स अक्षनी दिशामां गति करतो होय तो ए पदार्थनी गतिना फक्त एक्स एम ज व्याख्यायित थाय, वाय आम एनो झीरो होय। फक्त कोई पदार्थ एक्स अक्षनी दिशामां गति करे, मानी लो कि आना आपणे आवी रीते दर्शाईए, आ वाय अक्ष आ एक्स अक्ष। हवे धारो कि कोई पदार्थ आवी रीते गति करे छे, तो आ जगह अलग अलग जगह पर तमे ज्यारे एना याम लेशो, तो याम तो आपणे लेता आवडे छे, आपणे नवमा धोरणमां भणी गेला छीए कि आनो धारो कि याम लो अने आ जगह मानी लो कि एक होय, आ जगह बे होय, आ जगह त्रण होय अने आ जगह चार होय। धारो कि आ जगह त्रण छे, तो आना याम लखवा होय तो शुं लखो, एक त्रण, बीजाना लखवा होय तो बे त्रण, त्रीजाना त्रण त्रण, चौथाना चार त्रण। आनो देखाय छे कि एक याम जे छे कॉन्स्टंट छे, वाय याम एनो अचळ छे, ज्यारे एक्स याम एनो बदलाय छे। तो एक्स यामनी किंमत बदलाती होय ने वाय यामनी किंमत कॉन्स्टंट होय तो कही शकाय कि पदार्थ कोई एक अक्षने समांतर एटले एक ज परिमाणमां गति करे छे एम कही शकाय। જ્યારે અહીંયા તમને દેખાય છે કે આ જગ્યાએ અલગ અલગ જગ્યા ઉપર હું અલગ અલગ બિંદુ લઈ લઉં અને એ દરેક બિંદુના હું યામ લઉં, તો યામ તમને દેખાય કે આ જગ્યાએ ધારો કે એક એક હોય તો યામ એક એક થવાનો, આ જગ્યાએ બે બે થશે, તો આવી સ્થિતિમાં એક્સ અને યામ વાય બંનેના યામ બદલાય છે, અને એક્સ અને વાયના બંનેના યામ બદલાતા હોવાથી આવી ગતિને આપણે દ્વિપારિમાણિક ગતિ કહી શકીએ। तो आ चेप्टर में आप द्विपारिमाणिक गति और त्रिपारिमाणिक गति विषय अपने डीप में अभ्यास करवानो छे, बराबर छे। तो चलो शुरू करिए। समतल में गति स्टार्टिंग पॉइंट छे, भौतिक राशिओ। ओके, भौतिक राशिओ विषय अपने अभ्यास चेप्टर नंबर 2 एकम अने मापन में करी चूक्या छीए। अहीं आगळ आपणे भौतिक राशिओना प्रकार जोवाना छे कि कया कया भौतिक राशिओना प्रकार छे। तो भौतिक राशिओ चलो जोईए। तो भौतिक राशिओ मित्रों बे प्रकार पड़े छे, एक छे भौतिक राशिओ में एक प्रकार छे अदिश भौतिक राशि, एटले के अदिश राशिओ, अने बीजो प्रकार पड़े छे सदिश राशिओ। आ पण पॉइंट तमे आगळना धोरणोमां भणी गेला छो। ओके, तो तमने याद हशे अने हूँ फटाफट आ पॉइंटो जवा दऊं छूं कि अदिश राशिओ एटले शुं। तो अदिश राशिओ एटले एवी राशिओ कि जेने दर्शाववी होय तो फक्त मूल्यनी ज जरूर पड़ती होय, तो एवी राशिओने अदिश भौतिक राशिओ कहेवाय। तो जे
भौतिक राशिओने दर्शाववा अथवा तो वर्णववा माटे फक्त मूल्यनी ज जरूर पड़ती होय तो तेने अदिश राशियो कहे छे। चलो सदिश भौतिक राशियो में शू हसे तो सदिश भौतिक राशियो एटले जे भौतिक राशियो ने दर्शावा माटे दिशा मूल्य उपरांत दिशा नी जरूर पड़ती होय तो जे भौतिक राशियो ने दर्शावा माटे मूल्य उपरांत दिशा नी जरूर पड़ती होय तो तेवी राशियों ने सदिश राशियों कहे छे। ख्याल छे तमने अदिश भौतिक राशि ने सदिश मा तो अदिश भौतिक राशियों एटले जे राशियों दर्शावा माटे फक्त मूल्य नी जरूर पड़ती होय तो एने अदिश भौतिक राशियो कहीए अने जे भौतिक राशियों ने दर्शावा माटे मूल्य उपरांत दिशा नी जरूर पड़ती होय तो तेवी भौतिक राशियों ने सदिश भौतिक राशियों कहेवाय। चलो उदाहरण लईए कि कया कया उदाहरण छे तो अदिश भौतिक राशियों ना उदाहरण में तमारे चर्चा करवी होय तो कया करी शको तो एक तो लईए दळ पछी दळ पछी दळ आवशे पछी धारो के वजन ओके बीजी बधी घणी बधी छे। चलो आपणे लईए दळ अथवा तो द्रव्यमान पछी जो बीजी लेवी होय तो झड़प ओके दळ झड़प आ बधी भौतिक राशिओने आपणे अदिश भौतिक राशिओ कहीए तो सदिश भौतिक राशिओ कई कई छे तो सदिश भौतिक राशिओना उदाहरण लो तो आना उदाहरणमां थशे वेग प्रवेग पछी बळ क्षेत्रफळ आ बधी भौतिक राशिओ ए सदिश भौतिक राशिओ छे। अदिशना तमने बीजा घणा उदाहरण आवडता होय तो तमे अंदर एड करी शको छो बराबर छे। तो आ बधी भौतिक राशिओ ए सदिश भौतिक राशि थशे अने आ थशे अदिश भौतिक राशि ओके। आना उपरांत बीजो सदिश भौतिक राशिमां एक वधारानो मुद्दो जोईए के सदिश भौतिक राशिने तमारे ज्यारे दर्शाववी होय सदिश भौतिक राशिने तमे दर्शाववी होय तो जे एनी संज्ञा होय ए संज्ञा उपर आपणे तीरनी निशानी करीए छीए तो अहीं आगळ लखी शकीए के सदिश राशियों ने दर्शावा माटे संज्ञा पर तीर एटले आम एरो नी निशानी करवामां आवे छे ओके। ज्यारे अदिश भौतिक राशिने दर्शावी होय तो अदिश राशियों ने दर्शाववा माटे फक्त संज्ञा स्वरूपे दर्शावाय छे। तो सदिश भौतिक राशियों ने दर्शावी होय तो तमार जे एनी संज्ञा होय ये संज्ञा उपर तमे तीरनी निशानी करो छो ज्यारे अदिश भौतिक राशि होय एने दर्शावी होय तेने आपणे जे एनी संज्ञा होय ए फक्त संज्ञा स्वरूपे ज आपणे दर्शाई शकीए छीए। तमे अदिश भौतिक राशिना बीजा उदाहरण लखोट लखी शको छो अहीं आगळ दळ पछी समय ने तापमान कोई वधारे जरूर नथी आपणे अमुक लख्या था केवी रीते तो चलो वेग छे सदिश भौतिक राशि ने दर्शावा माटे संज्ञा उपर तीर दर्शावू छे तो वेग एटले वेलोसिटी जेने आपणे वी संज्ञाथी दर्शाईए छीए तो वीना उपर आवी रीते तीर करिए तो ए थई गई सदिश भौतिक राशि। प्रवेग प्रवेग एसलरेशन जेने ए संज्ञाथी दर्शाईए छीए अने एना उपर तमे आम तीर करो
त्यारे ए थई जशे प्रवेग सदिश राशि। बळ, बळ ने आपणे फोर्स एफ तरीके ओळखीए छीए, अने एफना उपर तमे तीरनी निशानी दर्शाओ तो ए पण सदिश थई जाय। अने क्षेत्रफळ, क्षेत्रफळ एटले एरिया ए, अने ए पण सदिश भौतिक राशि छे, जेना विशेने डीपमां अभ्यास तमे क्रमशः चेप्टरमां करशो एटले ख्याल आवी जशे। क्लियर? हवे तमारी बुकनी अंदर जे सदिश भौतिक राशि छे एने तीर वड़े तो खरा ज, साथे साथे जे संज्ञा होय ए संज्ञाने घाटा लेटर वड़े दर्शायेला छे। तमारा बुकनी अंदर जे सदिश भौतिक राशि छे ने एने घाटा लेटर वड़े, एटले जे संज्ञा छे ए संज्ञा जे हती ए संज्ञाने घाटा लेटर वड़े एने डार्क लेटर वड़े दर्शायेला छे। आ डार्क लेटर वड़े दर्शाय एटले तमारे समझी लेवानुं के ए सदिश भौतिक राशि छे। અને જે અદિશ હશે તો અદિશને ફક્ત આવા નોર્મલ એને ઘાટા કરેલા નહીં હોય, એની સંજ્ઞા જ દર્શાયેલી હશે પણ સંજ્ઞાને ઘાટી નહીં કરી હોય, બરાબર? તો આટલો ફરક તમારા બુકમાં છે એટલો તમે જોઈ લેજો। હવે આ ચેપ્ટરમાં કેટલીક પ્રસ્તાવના સ્વરૂપની કેટલીક બીજી વધારે માહિતી લઈ લઈએ, એના પહેલાં ફટાફટ તમારે લખવું હોય તો ફટાફટ તમે લખી શકો છો, બે મિનિટનો સમય આપું છું, ફટાફટ લખી દેજો। ઓકે, હવે લઈએ સદિશ ભૌતિક રાશિઓના પ્રકાર। સદિશ રાશિઓના પ્રકાર, જે સદિશો કહેવાય, નોર્મલી આપણે કહીએ સદિશો, તો સદિશોના ઘણા બધા પ્રકાર પડે છે, જેમાંથી પહેલો છે સમાન સદિશ। સમાન સદિશ કોને કહીશું? સદિશોમાં પ્રકારમાં તમે કહી શકો કે ભાઈ સમાન સદિશ કોને કહેવાય? સમાન, માની લો કે આપણે એક સદિશ આવી રીતે દર્શાયો છે, સદિશ એ, ઓકે, આ સદિશનું અહીંયા છે એનું પૂંછ જેને ઉ બિંદુથી દર્શાવીએ, આ બાજુ છે શીર્ષ જેને પી બિંદુથી દર્શાવીએ। હવે મારે આ સદિશને એક્ઝેક્ટ સમાન સદિશ દર્શાવવો છે, જેમ કે ચીચવો છે, હવે ચીચવાને મારા જો સમાન રાખવો હોય, એનો સમાંતર ભાગ રાખવો હોય તો શું કરવું પડશે? તો ચીચવાના એક છેડા ઉપર જેટલા દળનો વ્યક્તિ બેઠેલો હોય અથવા પદાર્થ મૂક્યો હોય એટલા જ દળનો પદાર્થ તમારે બીજા ભાગમાં રાખો ત્યારે સમાન થઈ જાય, એનું પલ્લું સમાન રહેશે। તો સમાન સદિશનો મતલબ એ થાય કે તમે કોઈ એક સદિશ દોરેલો હોય, સેમ આવો ને આવો તમે બીજો સદિશ એક્ઝેક્ટ આને સમાંતર અને એક્ઝેક્ટ આની જેટલી જ લંબાઈનો તમે સદિશ દોરો ત્યારે એ બની જાય બંને સદિશો એકબીજાને સમાન સદિશ। એટલે કે સદિશ એ હતો આ સદિશ એના જેટલી જ લંબાઈનો અને સદિશ એને જ સમાંતર તમે કોઈ એક બીજો સદિશ દર્શાવી દો। આ છે મેં બીજો સદિશ દર્શાવ્યો જેનું નામ આપું છું સદિશ બી, એનો આ પૂંછવાળો ભાગ જેને આપણે કહીએ ક્યુ બિંદુ, આ શીર્ષવાળો ભાગ એને કહીએ આર બિંદુ। તો આ બંને સદિશો એકબીજાને સમાન સદિશ કહેવાય। સમાન સદિશ કેવી રીતે મળશે? તો એક સદિશના મૂલ્ય અને એના જેટલો જ એક સદિશના મૂલ્ય જેટલા જ મૂલ્યનો અને એ જે દિશામાં છે એ જ દિશામાં તમે જ્યારે બીજો સદિશ દોરો છો ત્યારે આ બંને સદિશો સમાન સદિશ થાય। આની વ્યાખ્યા લખવી હતા, આ રીતે લખી શકાય કે બે સમાન મૂલ્યના અને એકબીજાને સમાંતર હોય તેવા સદિશોને સમાન સદિશ કહેવાય। ખ્યાલ આવી ગયો? જેમ કે માની લો કે એક માર્કર પેન છે, આ માર્કર પેનની લંબાઈની જ હું એક બીજી માર્કર પેન લઉં તો બંનેની લંબાઈ સમાન, આ માર્કર પેનને હું સીધી પકડું બીજાને પણ સીધી પકડું તો જુઓ બંનેની લંબાઈ સમાન અને બંને સેમ રીતે પડી છે, એટલે કે આનું શીર્ષ જે દિશામાં છે એ જ દિશામાં આનું શીર્ષ છે, માટે આ બંને સદિશો સમાન સદિશ કહેવાય। તો બંનેનું શીર્ષ એક જ દિશામાં હોય અને બંનેની લંબાઈ એક સમાન હોય તો આવા સદિશોને સમાન સદિશ કહેવાય। અને સમાન સદિશની ખાસિયત એ થાય કે આની આ સદિશ સદિશ એ બરાબર સદિશ બી તમે લખી શકો। એ બરાબર બી ક્યારે લખી શકો? હું એમ કહું કે સદિશ એ બરાબર
सदिश ए, धारो कि सदिश ए नु मूल्य मानी लो कि 10 एकम है। हवे सदिश ए ने बी बने सामन सदिश है, मतलब शू थो कि बी नु मूल्य पण केटलू थाय 10 एकम थाय। तो सदिश ए अने सदिश बी आ बने सदिशो जो सामन सदिशो हो तो एना माटे सदिश ए बराबर सदिश बी आप लखी शकीए छीए। त्यारबाद लईए बीजो सदिश समांतर सदिश, बीजो एनो प्रकार लईए समांतर सदिश। चलो समांतर सदिश आपणे कोने कहीए, तो समांतर सदिश आवी रीते दर्शावाय। धारो के एक सदिश में आवी रीते दर्शायो छे सदिश ए, बीजो सदिश हूँ आवी रीते दर्शाव। समांतर नो मतलब आ सदिश जेवी दिशा में छे एवी दिशा में मारे बीजो सदिश लेवो पड़शे। तो बीजो सदिश बी में आवी रीते दर्शायो छे। हवे आपणे देखाय छे कि ए सदिश अने बी सदिश बन्ने नी दिशा सेम छे, समान छे, एक ज दिशा छे। एनो मतलब आ बन्ने सदिशो समांतर सदिश छे, पण आ बन्ने नी लंबाई अलग अलग छे। एकनी लंबाई ओछी छे तो बीजानी लंबाई वधारे छे। तो टूंकमां एम पण कही शकाय कि जे समांतर सदिशो होय ए बन्ने नी दिशा एक समान होय, अथवा तो ए बन्ने एक बीजाने समांतर होय परंतु बन्नेनी लंबाई अलग अलग होय, तो आवा सदिशो ने तमे समांतर सदिशो पण कही शको छो। तो समांतर सदिशो नी तमारे व्याख्या आपी होय तो आपणे आम लखी शकीए के एक बीजाने समांतर होय तेवा सदिशो ने समांतर सदिश कहेवाय। समांतर सदिश कोने कहीशुं आपणे, के एक बीजाने समांतर होय तो तेवा सदिशो ने आपणे समांतर सदिश कही शकीए, चाहे बन्नेनी लंबाई समान होय के ना होय। हवे आजनो एक प्रश्न जे तमार होमवर्क में आपू छू तमार अने ए लखी अने मने मोकलवानो छे, शू समान सदिश ने समांतर सदिश कहेवाय? शू समान सदिश ने समांतर सदिश कहेवाशे? हवे आ व्याख्याओ जे लखी छे ने एना परथी समजवानो प्रयत्न करजो। बीजो प्रश्न लखो, शू समांतर सदिश ने समान सदिश कहेवाय? आ बे प्रश्नों छे जे तमे विचारी अने मने एनो जवाब कहेजो। हवे जो समान सदिश माटे आपणे एक महत्वनुं सूत्र मेळव्युं, सदिश ए बराबर सदिश बी। आवुं आपणे क्यारे लखी शकीए? कि ज्यारे बन्ने सदिशो एक ज दिशामां होय अने बन्नेना मूल्यो एटले के बन्नेनी लंबाई एक समान होय तो आपणे आ लखी शकीए। शुं आना माटे आवुं लखवुं एटले लखी शकाय सदिश ए बराबर सदिश बी? तो ना। हा, बन्ने समांतर छे, बन्नेनी दिशा एक समान छे पण बन्नेना मूल्यो एक समान नथी, माटे सदिश ए बराबर सदिश बी लखी शकाशे नहीं। त्यारबाद आपणे त्रीजो प्रकार जोईए, प्रतिसमांतर। प्रतिसमांतर सदिश, ओके प्रतिसमांतर सदिश केवी रीते दर्शाईए? धारो कि एक सदिश छे આવી દિશામાં, ઓકે આપણે સદિશ આને એ કહીએ, પહેલા વિરોધી સદિશ લઈ લઈએ તો પ્રતિસમાંતર મળશે। પહેલા લઈ લઈએ વિરોધી સદિશ, વિરોધી સદિશ, ઓકે વિરોધી સદિશ લઈ લઈએ। ચલો વિરોધી સદિશ માટે કેવી રીતે આની વ્યાખ્યા આપણે મેળવવી? તો વિરોધી સદિશ માટે એક સદિશ લઈ લઈએ આવી દિશામાં, સદિશ એ, બીજો સદિશ લઈ લઈએ આ દિશામાં, સદિશ બી। પહેલો સદિશ એ હતો એનું આ ઓ બિંદુ અને બીજું પી બિંદુ દર્શાવી દઈએ, આ ઓ બિંદુ અને બીજું લઈ લઈએ બિંદુ પી, આની અંદર આ બિંદુ લઈ લઈએ ક્યુ અને આ લઈ લઈએ આર, ઓકે। અહીંયા મેં બે સદિશો દર્શાવ્યા છે, બંને સદિશો તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને થોડો ઘણો બંનેમાં ફરક લાગે છે। ફરક શું દેખાયો? તો ફરકમાં એ દેખાય છે કે પહેલો સદિશ ઓ જે છે, પહેલા સદિશ
सॉरी पहलो सदिश ए जे छे एनो पूछवाड़ो भाग ओ अने शीर्षवाड़ो भाग पी जे ओ थी पी एटले आ दिशा में छे एटले जमणी तरफ जती दिशा में। बीजो सदिश बी छे जेनो पूछ छे क्यू अने शीर्ष छे आर तो ए जे जाय छे डाबी तरफनी दिशा में। तो बन्नेना शीर्षवाड़ा भाग धारो के हूँ आ बी सदिश ने उठाई अने ए सदिश उपर मूकूँ तो शुं बन्नेना पूछवाड़ा भाग भेगा थशे के बन्नेना शीर्षवाड़ा भाग भेगा थशे? ना, बी सदिश ने उठाई हूँ ए सदिश उपर मूकी दऊं तो बी सदिशनो शीर्षवाड़ो भाग ए सदिशना पूछवाड़ा भाग आगळ मळशे अने बी सदिशनो पूछवाड़ो भाग ए सदिशना शीर्षवाड़ा भाग आगळ मळशे। तो आवा सदिशोने विरोधी सदिश कहेवाय। विरोधी सदिशनी खासियत ए छे के विरोधी सदिशना मूल्यो बन्नेना मूल्यो एटले बन्नेनी लंबाई एक समान होय छे परंतु बन्नेनी दिशा परस्पर विरुद्ध होय छे। तो विरोधी सदिश माटे व्याख्या आम लखी शकीए के परस्पर विरुद्ध दिशाना अने समान मूल्यना बे सदिशोने एक बीजाना विरोधी सदिश कहे छे। तो विरोधी सदिश माटे आपणे लखी शकीए, चलो जेम समान सदिश माटे आपणे ए बराबर बी लख्यू तो विरोधी सदिश माटे लखवू होय तो आम लखी शकीए सदिश ए बराबर सदिश बी तो खरुं बन्नेनी दिशा अलग अलग छे मूल्य समान छे पण माइनस माइनस नो मतलब दिशा अलग अलग बन्ने वच्चे जो माइनस ना होय तो बन्नेनी दिशा समान पण माइनस आई एनो मतलब ए थयो बन्नेना मूल्यो समान छे परंतु दिशा बन्नेनी अलग अलग छे। तो बन्ने माटे आ सूत्रो याद राखवाना ए बराबर बी अने ए बराबर माइनस बी। हवे एक प्रश्न हालना हाल सॉल्व करो, समान सदिश माटे बे सदिशो वच्चेनो खूणो थीटा केटलो होय, थीटानी किंमत केटली होय अने विरोधी सदिश माटे बे सदिशो वच्चेनो खूणो थीटा केटलो होय। चलो बे ज मिनिट आपू छूं, फटाफट नक्की करो कि समान सदिशो माटे बे सदिशो वच्चेनो खूणो केटलो होय अने विरोधी सदिश माटे बे सदिशो वच्चेनो खूणो केटलो होय। फटाफट मने जवाब एनो आपी दो, एक ज मिनिटमां जल्दी। मळे जवाब? समान सदिशो होय तो समान सदिशो माटे थीटा बराबर केटला थाय अने विरोधी सदिश माटे थीटा बराबर केटला थाय, थोड़ो विचारजो, तरत तमने जवाब मळी जायो छे। तो जो थीटा हमेशा बे सदिशोना पूछवाड़ा भागने जयरे भेगा करिए अने ए वखते बन्ने सदिशो वच्चे बनतो खूणो एने थीटा कहेवाय। समान सदिशो आवी रीतना छे, हवे आ बी सदिश अने आ ए सदिश आ बन्ने सदिशोन हूँ एकबीजा उपर भेगा कर दऊं तो आवी स्थितिमां आ बन्ने सदिशो वच्चेनो खूणो थीटा केटलो थशे? झीरो। तो थीटा बराबर अहींया केटलो होय छे? झीरो डिग्री। आ पण एक मुद्दो याद राखवानो छे। विरोधी सदिश में शू छे? तो विरोधी सदिश में एक सदिश आम छे बीजो सदिश आम छे, बन्ने सदिशना पूछवाड़ा भाग एकबीजा उपर संपात करो तो बन्नेना पूछवाड़ा भाग तमे ज्यारे एकबीजा उपर संपात करशो तो आना शीर्षथी आना शीर्ष सुधीनो जे खूणो बनशे ए केटलानो बनशे? तो 180 डिग्रीनो। तो आनो खूणो थशे 180 डिग्री। शू सेम आवी रीते समांतर सदिश माटे खूणो केवो होय तो केटलो थाय? तो समांतर सदिशों में बन्ने तो समांतर ज छे अने ज्यारे ज्यारे समांतर शब्दनो उल्लेख थाय एटले मतलब एनी वच्चेनो खूणो थीटा बराबर केटलो थाय? झीरो डिग्री थाय। ओके चलो हवे आपणे चौथा नंबरनुं लईए, प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश कोने कहीशुं?
तो एक सदिश आपणे दोरीए आवी दिशामां, जेने लईए सदिश ए नाम। बीजो सदिश लईए बी आवी दिशामां, तो अंदाज आई गयो हशे कि प्रतिसमांतरनो मतलब शुं थाय। आ बन्ने सदिशो तमे जुओ तो आ बन्ने सदिशो परस्पर विरुद्ध दिशामां छे, अने विरुद्ध दिशामां छे। साथे साथे ए बन्ने सदिशोना मूल्यो तमे जुओ, आ बन्नेना मूल्यो जुओ, तो बन्नेना मूल्यमां फेरफार छे। तो परस्पर विरुद्ध दिशाना, परस्पर विरुद्ध दिशाना अने असमान मूल्यवाळा सदिशोने प्रतिसमांतर सदिश कहेवाय। परस्पर विरुद्ध दिशाना, आनी दिशा आ बाजू छे, आनी दिशा आ बाजू छे, तो बन्नेनी दिशा अलग अलग, तो परस्पर विरुद्ध दिशाना अने असमान मूल्य, आनुं मूल्य आटलुं छे ज्यारे आनुं मूल्य वधारे छे, तो आवा सदिशोने एकबीजाना प्रतिसमांतर सदिश कहेवाशे। तो अहीं आगळ आपणे एम लखी शकीए के एक बीजाने समांतर परंतु विरुद्ध दिशाना, विरुद्ध दिशाना अने असमान मूल्यवाला सदिशों ने प्रतिसमांतर सदिश कहवाय। ख्याल आई गयो? एक बीजा ने समांतर, आम समांतर, पण दिशा अलग अलग, साथे साथे बन्ने नुं मूल्य पण अलग अलग, तो आवा सदिशों ने आपणे प्रतिसमांतर सदिशो कहीशुं। अने छेल्ले पांचमा नंबर नो पॉइंट लई लईए, असमांतर सदिश। असमांतर सदिश कि जे सदिशो एक बीजा ने समांतर ना होय, एटले के एक सदिश तमे लो आवी दिशामां, सदिश ए, बीजो सदिश लो तमे बी आवी दिशामां, तो आ बन्ने सदिशो एक बीजा ने समांतर नथी, भले एनुं मूल्य समान होय के ना होय एना उपर डिपेन्ड नहीं करतुं, पण बन्नेनी दिशा तमे जुओ तो दिशा अलग अलग छे, तो आवा सदिशोने एकबीजाना असमांतर सदिशो कहेवाय। तो टूंक में व्याख्या लखी दईए कि जे सदिशो समांतर न होय तेवा सदिशो ने असमांतर, सॉरी, जे सदिशो समांतर के प्रतिसमांतर, हो समांतर के प्रतिसमांतर, जो समांतर ने प्रतिसमांतर, समांतर ना हो तो प्रतिसमांतर होई शके, एटला माटे समांतरे ना होय ने प्रतिसमांतरे ना होय एवा सदिशोने ज आपणे असमांतर कहीशुं। जे सदिशो समांतर के प्रतिसमांतर न होय तो तेवा सदिशोने असमांतर सदिशो कहेवाय। धारो के उदाहरण लो कि कोई समतल छे, समतल उपर एक ब्लॉक आवी रीतनो पड्यो छे। हवे आ ब्लॉक उपर बे प्रकारना बळ लागे छे, एक बळ आवी दिशामां लागे छे एफ वन, बीजू बळ आवी दिशामां लागे छे एफ टू। हवे एफ वन अने एफ टू बंने बळ नामनी भौतिक राशि छे, जे सदिश भौतिक राशि छे, एटले बंने सदिशो लागे छे खरा, पण एक सदिश आवी दिशामां, एक सदिश आवी दिशामां लागे छे, एनो मतलब बंने वच्चे कंई खूणो थीटा बने छे। एटले टूंकमां एम कही शकाय के ज्यारे असमांतर सदिशो होय त्यारे आ बंने सदिशो वच्चे खूणानी कंईक किंमत मळशे। आ खूणानी किंमत झीरो के 180 डिग्री ना होय। केम? झीरो डिग्री होय तो शुं थाय? एक सदिश एफ वन आ दिशामां छे, बीजो सदिश एफ टू आ दिशामां, बंने वच्चेनो खूणो झीरो क्यारे बने? जो एफ वन अने एफ टू एकबीजा उपर संपात थाय तो, अने एकबीजा उपर संपात थाय तो समांतर सदिश थई जाय। 180 डिग्रीनो खूणो क्यारे थाय? एक सदिश आम छे, बीजो सदिश हूँ आखो उलटाईने आम कर दऊं तो बंने वच्चेनो खूणो 180 डिग्री थाय, बंने परस्पर विरुद्ध, एटले तो प्रतिसमांतर थई गया। एटले हाल कीधुं ने
कि समांतर के प्रति समांतर ना होय अथवा तो जीरो के 180 डिग्री नो खूणो ना होय अन एवी दिशाना सदिशो ने आपणे असमांतर सदिशो कहीशुं। तो आटलो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हतो समतलमां गतिमां सदिशो एना प्रकारनो। मित्रों याद राखवाना छे, एकदम ईजी छे, फक्त एनुं नाम ऊपरथी ज आपणे खबर पड़ी जाय एम छे। हवे आना पछीना पॉइंट आपणे नेक्स्ट लेक्चरमां लई लईशुं।